बहुत स्वागत है दोस्तों। जो फाइनली यहाँ पे आप लोग को डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पे जो बिहार पारा मेडिकल का था उसको जो अलॉटमेंट लेटर था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों पोस्टपोन किया गया, क्या आगे आप लोग करना है, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बात बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। और जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। जब सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे तो आप लोग की खुशी होगी कि हमारे कौन सा कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर आया है, यानी कि हमारा कौन सा कॉलेज में पैरामेडिकल अलॉट हुआ है सीट। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं एक आप लोग को जो नोटिस दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे थंबनेल पे भी नोटिस लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली नोटिस मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली हमने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। जैसे कि लेटेस्ट अपडेट में देखते हैं तो यहाँ पे एक नोटिस आएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द पोस्टपोन ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट लेटर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट ऑनलाइन काउंसलिंग DCEC PM और PMM। इतना पे जैसे कि देख सकते हैं डेट इतना इतना 5 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आप लोग का आना है। तो चलिए मैं इस पर डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आप लोग को नोटिस दिखाता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है और मैं नोटिस आप लोग को शो करता हूँ। देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिस ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के है, यहाँ पे ऑफिशियली नोटिस, यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता आप लोग जो 5 तारीख के आना था वो नहीं आया। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोगों को रिजल्ट कितना दिन पहले, हो सकता है कि 3 से 4 महीना पहले आ चुका है, लेकिन अभी तक आप लोग के सॉरी 3 से 4 महीने दशहरा के टाइम में आया था रिजल्ट, उसी समय दशहरा दिवाली के समय में, और लेकिन अभी तक यहाँ पर आप लोग को नहीं आया है अलॉटमेंट लेटर। तो 5 तारीख के पोस्टपोन क्योंकि देखिए दोस्तों ये सब बिहार बोर्ड का करमात है, क्या करता है क्या नहीं करता है, कैसे करता है, कैसे अलॉटमेंट लेटर निकालता है कि इन लोग का इतना डिले हो जाता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि BCEC जो इंजीनियरिंग वाले थे उनको बहुत जल्द निकालना था, इसी कारण शायद डिले हो गया है इन लोग का, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है जो BCEC के था लोग उनको देना, क्योंकि उन लोगों के इंजीनियरिंग वाले छात्र थे, इसी के चलते आप लोग के डिले किया गया और उन लोगों को पहले निकाला गया। लेकिन अब मैं बता दूं कि आप लोग बहुत ही जल्द, मतलब जो पैरामेडिकल वाला है उन आप लोग के बहुत जल्द अलॉटमेंट लेटर निकाला जाएगा और बहुत जल्द आप लोग का एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग क्या क्या चीज़ तैयारी कर लेना है, क्योंकि देखिए जब अलॉटमेंट लेटर होगा 3 से 4 दिन के आप लोग को अप्रोक्स टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एडमिशन लेने के लिए, इससे ज़्यादा कोई भी मतलब नहीं मिलता है। जब भी मैं हमने देखा है कि या तो BCEC वाला हो या तो पॉलिटेक्निक वाला हो या तो फिर इंजीनियरिंग जो भी मेडिकल वाले हो या तो फिर आप लोग भी पारा मेडिकल वाले भी हो, तो इससे ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन नहीं, अच्छा से 3 से 4 दिन में आप लोग के सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और सारा अरेंज भी करना है। तो मैं बताता हूँ कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ आप लोग के डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या चीज़ नेसेसरी आप लोग को ले जाना है। दोस्तों आई होप कि पूरा वीडियो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी भी आप लोग सब्र रखें क्योंकि आप लोग के अलॉटमेंट डेट तो आएगा ही, ऐसा तो थोड़ी नहीं कि कैंसिल एडमिशन लेगा ही नहीं, ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं सोचेगा कि एडमिशन लेगा ही नहीं, आप लोग वेट करिए, आप लोग के अलॉटमेंट लेटर आएगा और आप लोग का एडमिशन होगा, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। आई होप कि पूरा जो आप लोग नोटिस भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या है, मैंने जो शॉर्ट में मैंने आपको ये नोटिस के बारे में समझा दिया है कि क्या चीज़ अब कब आने वाला है। दोस्तों आई होप कि पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब अलॉटमेंट लेटर आएगा पारा मेडिकल का तब आप लोगों के पास वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा और सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा तो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को लास्ट यहीं करते हैं, वीडियो को लास्ट में धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।